हेलो किसान भाइयों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर एम्पीरियल फार्मिंग पर, जहां पर हम आपको बताते हैं अपने खेती से संबंधित संपूर्ण जानकारी। देखिए, अभी ये मक्के की फसल पक्का तैयार हो चुकी है, लेकिन अभी इसके हार्वेस्टिंग कराने का टाइम सही नहीं लग रहा है, क्योंकि आप देख सकते हैं ऊपर मौसम भी कितनी जल्दी चेंज हो रहा है और बारिश भी हो सकती है। आइए हम देखते हैं हमारे खेत का मक्का अभी कितने पककर तैयार हो चुका है, उसके बारे में हम जानकारी देंगे। देखिए, ये मक्का को अभी हमने अभी इसके पत्ते अलग किए हैं और इसमें पूरी तरीके से दाने सूख चुके हैं। ये और भी भुट्टे हैं जो पूरी तरीके से सूख चुके हैं, अभी तोड़ाई आरंभ करने की सोच रहे हैं, लेकिन अभी लेबर आ चुके हैं, लेकिन अभी तोड़ाई आरंभ नहीं कर सकते क्योंकि मौसम के परिवर्तन के कारण अभी हार्वेस्टिंग करना सही नहीं लग रहा है। किसान भाइयों, आपको ये मक्का तो अच्छा लग रहा होगा कि अच्छी फसल है, हम इसी से लगा हुआ खेत जो भी हमारा ही है वो उसको दिखाते हैं, इसकी फसल आपको दिखाते हैं कि कितना परिवर्तन है यहाँ पर। ये देखिए, ये छोटी सी टुकड़ी है, छोटा सा बंधिया बोल सकते हैं इसको, लेकिन इसमें देखिए इसमें कुछ नहीं है। ये खेत भी दिखाएंगे आपको आगे, इसमें देखिए बहुत छोटे छोटे भुट्टे हैं, 4-5 फीट के भी नहीं होंगे बड़े मुश्किल से। ये भी एक साथ बोया गया है लेकिन अधिक वर्षा के कारण, देखिए ये पूरी तरीके से इतने छोटे छोटे, ये एक भत्ता में भी नहीं समा रहे हैं, आप देख सकते हैं इसकी भुट्टे, जो एक भत्ते में भी नहीं आ रहे हैं, और मेरी हाइट के बराबर देखिए पूरे पौधे हैं, लगभग 6 फीट के बराबर, कहीं कहीं 5.5 फीट भी हैं। इसी के साथ लगा हुआ हमारे भाई का खेत है जो हम आपको दिखाते हैं, जो अधिक वर्षा के कारण, देखिए पूरा मक्का लगा हुआ था इस खेत पे, पूरा मक्का बखर चुके हैं, कुछ भी नहीं हुआ, अधिक वर्षा के कारण पूरा मक्का ख़राब हो चुका है। अभी उन्होंने दवाई वगैरह छींच के चारा मार दिए थे, अभी चक्रा वगैरह चला के अभी इसकी बखरानी की है और कल ही बखरानी हुई है इसकी। देखिए मक्के की इतनी बुरी स्थिति है, कहीं पर ठीक है, कहीं पर मीडियम है, कहीं पर बहुत ख़राब ही स्थिति है। ये देखिए, हम अपने खेत में थोड़ा आगे आए हैं, देखिए मक्के की हालत क्या है इसी खेत में। अभी वहाँ पर हमने देखा था कि 6-7-8 फीट तक मक्के की हाइट है, तो मक्के का भुट्टा भी अच्छा है, उसमें दाने भी अच्छे हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए हाइट बहुत कम है और भुट्टे में दाने भी कम है और साइज भी छोटा है। देखिए मक्के की हालत, इतना छोटा मक्का है, इसमें क्या फल आएगा आप ही देखिए, बहुत छोटा है, बहुत छोटा, नहीं के बराबर है। ये देखिए मक्के की स्थिति, ये अधिक वर्षा के कारण ऐसी स्थिति हो जाती है खेतों में, इसलिए हम आपको अपने खेत की सच्चाई, रियल फार्मिंग दिखाना चाह रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ से पूरा खेत का सही नज़ारा दिखेगा, क्योंकि हम थोड़े ऊपर मेड़ पर आ चुके हैं जिसमें आप पूरा खेत देख सकते हैं कि क्या स्थिति हो सकती है मक्के की, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। पूरा 6 एकड़ का प्लाट है ये, अब देखते हैं आने वाले समय में कितना उत्पादन मिलता है और कितनी लागत लगी है, इसके बारे में हम आपको संपूर्ण जानकारी देंगे। इस खेत में हमने 2 विधि से बोनी की है, एक पहली है धार विधि, दूसरी है नॉर्मल सीडल से विधि जो प्लान रहती है। इस बार धार वाली विधि थोड़ी पतली हो चुकी थी, इसलिए मक्का तो ठीक है उसका, लेकिन उतना अच्छा दिख नहीं रहा है, पतला हो गया था। और ये प्लेन वाले सीडल से बोए तो इसमें मक्का तो अच्छा हुआ है, लेकिन अधिक वर्षा के कारण ये देखिए आप पूरा बैठ चुका है, जहाँ जहाँ थोड़ा खेत ऊंचा है वहाँ पर फसल है, जहाँ पर पूरा पानी इकट्ठा होता है वहाँ पर फसल पूरी ख़त्म हो चुकी है, छोटे छोटे भुट्टे डाले हैं बस। हम इस चैनल पर अपने खेती से जुड़ी संपूर्ण जानकारी आपके लिए लाते रहेंगे और दूसरे किसानों के भी
खेतों की जानकारी लाएंगे और ट्रैक्टर संबंधित जो भी वीडियो होंगी वो भी हम आपके लिए लाते रहेंगे, नई नई जानकारी लाते रहेंगे। खेती में कितनी लागत लग रही है, क्या कार्य चल रहा है, क्या होने वाला है, इसके बारे में हम आपको समय समय पर अपडेट देते रहेंगे। इस मक्के की बोनी हमने शुरू वाली तो 8 तारीख को की थी और दूसरी बार जो बोनी की थी हमने 14 या 15 तारीख को की थी। इसमें काफ़ी परिवर्तन आ चुका है। शुरू में तो फसल ठीक थी, लेकिन अब जैसे जैसे बीच में और बाद में अधिक वर्षा के कारण फसल बैठती गई और फसल को उठाव नहीं मिला। अब देखते हैं, फसल पक्का तैयार है, अब जो भी उत्पादन मिलेगा आपके सामने होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय विज्ञान, जय किसान। विज्ञान जय किसान तो होगा ही। अब इसी तरह फार्मिंग और खेती से रिलेटेड जानकारी आपके लिए हम नई ले लाते रहेंगे।